तो हम लोग हो गए हैं रेडी, अब जा रहे हैं हम लोग बाहर आज बच्चों को आउटिंग कराने के लिए, क्योंकि बच्चों का काफ़ी ज़्यादा मन है, तो बच्चे भी हो गए हैं रेडी, हम लोग निकल रहे हैं अब। तो निकलने से पहले हमेशा जो है हम सफ़र की दुआ पढ़ाते हैं, तो यहाँ पर जो है उमेरा पढ़ाती हैं या आयशा पढ़ाती हैं हमें सफ़र की दुआ, लेकिन आज यही पढ़ रही हैं। करने के बाद हम लोग पहुंच चुके हैं अपनी मंजिल पर, और यहाँ पर हमने कुछ शॉपिंग करने के इरादे से आए थे, बट शॉपिंग की नहीं है क्योंकि कुछ समझ में नहीं आया। बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ समझ में नहीं आता है, और शॉपिंग करने के लिए नहीं जाओ तो बहुत सारी चीज़ें समझ में आती हैं, इरादे से जाओ तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है शॉपिंग करने। तो यहाँ पर जो था बर्थडे गिफ्ट मिलने वाला है, तो बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ मैं, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़्यादा प्यारा बर्थडे गिफ्ट मुझे मिला है, थैंक यू सो मच मेरे प्यारे हस्बैंड के लिए, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने दिया और बहुत ही ज़्यादा मेरे लिए मायने रखता है वो कुछ भी चीज़ है अगर मेरे हस्बैंड मुझे गिफ्ट कर रहे हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होती है मेरे लिए, थैंक यू सो मच। तो यहाँ पर आयशा और हुमैरा कर रही थी मुझे काफ़ी ज़्यादा मतलब अपने फ़न में लग रही थी, और हम लोग कर रहे थे अपनी शॉपिंग, तो बार बार मुझे लग रहा था बाहर नहीं निकल जाएँ, एक थोड़ा सा रहता है, मैं बोल रही थी बार बार अंदर आ जाइए, लेकिन बच्चों को तो अपनी करनी होती है। तो यहाँ से हो गए थे हम लोग फ्री, और उसके बाद हम लोगों को जाना है बच्चों के लिए, बच्चों को जहाँ पे हमें ले जाना था, हम लोग इरादे से आए थे कि हम लोग ओपीलैंड जाएंगे, तो ओपीलैंड हम लोग पहुँच चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बच्चों को यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाती हैं करने के लिए, और एक ही जगह रहता है तो बेटर रहता है, क्योंकि टाइम जो है वो बहुत ज़्यादा कम रहता है, तो उसकी वजह से हम लोग उसी जगह जाते हैं कि ज़्यादा जाना नहीं पड़े और बच्चों का एक ही जगह हो जाए। तो मैंने सोचा कोई बात नहीं, काफ़ी टाइम हो गया बच्चों को बाहर निकले हुए, तो थोड़ा बहुत आउटिंग भी ज़रूरी होती है, तो हम लोग पहुंच चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद क्या था, और बच्चों का जो फेवरेट प्लेस मिल जाए कहीं पर, तो उनको तो ये होता है कि इधर भाग उधर भाग कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है, तो यहाँ पर जो है वो आगे आगे भाग रहे थे देखिए। उसके बाद जो है इनको शॉप देखी एक टॉयज़ की, और वहाँ पे ज़िद करने लगे मम्मा ये लेना है वो लेना है, अभी हम मॉल में गए भी नहीं थे, पहले से ही ये सब चीज़ें हो रही थी, तो मैंने बोला मैं बेटा बाद में दिलाऊंगी, आप पहले एंजॉय कर लो, थोड़ा घूम लो, आपकी शॉपिंग बाद में करेंगे। तो फिर बच्चे मान भी गए, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है मानते नहीं है, ज़िद करते हैं। तो एंट्री हमने कर दी है, ओपीलैंड मॉल गए थे हम, उसके बाद यहाँ पर जो है पर्स वर्स चेक कराने के बाद मैं अंदर आ गई थी, मेरा कैमरा जो है ऑन था, तो तो सबसे पहले पहुंचने के बाद आयशा को मैंने फ़्रेश कराया, क्योंकि आयशा को वॉशरूम जाना था, तो इस तरह की चीज़ें तो फेस करनी पड़ती हैं बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा। तो देखिए उसके बाद हम लोगों ने क्या क्या किया, और काफ़ी ज़्यादा फ़न किया, मैंने भी अपने जो है बचपन का जैसे मैं बचपन में इंजॉय करती थी वैसे ही बच्चों के साथ आज मैंने भी पूरा बचपन खेला अपना, खूब ही मज़े किए, तो आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर आयशा जो मुझे काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रही हैं, और बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है घर से निकलना बच्चों को लेकर, या कि अपने आप भी थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम आ गए हैं तो अल्लाह का शुक्र है, काफ़ी खुश हो रहे हैं बच्चे। कभी कभी लगता है कि बच्चों को आउटिंग करानी भी ज़रूरी है, क्योंकि फ़्रेश हो जाते हैं बच्चे भी। तो यहाँ से फ्री होने के बाद मैं गई सबसे पहले, बच्चे कहने लगे मम्मा ट्रेन राइड करनी है, तो हमने देखी पहले ट्रेन, उसके बाद हमने सोचा कि चलिए राइड ही करा देते हैं। तो बच्चे करने लगे ज़िद मम्मा से कि मम्मा आप भी बैठिए, फिर मैंने बोला ये बैठ जाएंगे, लेकिन उन्होंने मना कर दिया, उन्होंने बोला कि मैं आपकी वीडियो बनाऊंगा, आप लोग बैठ के करो एंजॉय। तो फिर मैंने ही डिसाइड किया कि चलिए मैं ही बैठ जाती हूँ बच्चों के साथ, तो बच्चों के साथ बच्चा बनने में भी एक अलग ही मज़ा होता है, तो काफ़ी ज़्यादा फन किया हम लोगों ने इस तरह से, देखिए। बाय बच्चों, तो यहाँ पर राइड करने के बाद बच्चों ने किए काफ़ी सारा फन, काफ़ी सारे गेम प्ले किए, और काफ़ी सारा मज़ा आया, और हम लोगों ने भी काफ़ी सारी शॉपिंग की, कुछ विंडो शॉपिंग की, और सारे मॉल में घूमने के बाद बड़ा सुकून सा मिला सब चीज़ों को देखने के बाद। और मैं तो बहुत ही ज़्यादा लंबे अरसे के बाद आई हूँ, क्योंकि थोड़ा टाइम लग ही गया था मुझे आने में, तो बहुत ज़्यादा लंबे टाइम के बाद मॉल आई हूँ, पूरे वेकेशंस में इस तरह के निकल गए, टाइम ही नहीं मिल पाया बिल्कुल भी।
देखिए बच्चे खुश होते हैं तो कितनी खुशी मिलती है, कितना अच्छा लगता है ना पेरेंट्स को, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो सभी के पेरेंट्स ऐसे होते हैं कि बच्चों को कोई भी छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी खुशी मिल रही है तो उसमें एक सुकून होता है पेरेंट्स के लिए। तो हमारे माँ बाप के लिए भी ऐसे ही होता है, तो सभी के पेरेंट्स के लिए इस तरह से होता है। तो अल्लाह ताला ऐसे ही खुशी रखे सबके फेस पर इस तरह से, तो अच्छी लगती हैं सब चीज़ें। तो देखिए आज आपने मेरे साथ साथ भी पूरा मॉल घूम लिया है, तो ये काफ़ी अच्छा मॉल है, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाती हैं और काफ़ी सारे ब्रांड्स भी हैं इधर, तो कहीं से भी आप कुछ भी शॉपिंग कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने बच्चों को एंजॉय कराया और बच्चों को लगने लगी थी भूख, बोल रहे थे मम्मा कुछ खाना। एक होता है ना बाहर आने के बाद बच्चों को अपनी मर्ज़ी की चीज़ें मिल जाती हैं, अपनी पसंद की चीज़ें मिल जाती हैं, तो उसमें एक लगता है कि मम्मा ये खाना है वो खाना है तो जल्दी से मिल जाए। तो उसके बाद मैंने इनको फ़ोन दे दिया था अपने हस्बैंड को, खाना है कुछ खाना है। तो मैंने सोचा कि क्या खिलाऊं, फिर बच्चों ने फरमाइश की मम्मा बर्गर खाना है, फ्रेंच फ्राइज़ खाने हैं, आइसक्रीम खानी है, तो ये सब तरह की चीज़ें जो है वो जाती हैं। तो उसके बाद मैं चली गई थी अपना थोड़ी शॉपिंग करने के लिए। तो ये अपने अब्बा के साथ ही प्ले करने लगे थे बच्चे, यहाँ पर कुछ ऐसा था नहीं तो मैगडी पर आए हम लोग के बाहर क्या जाएँ सच यहीं पर कुछ खिला देते हैं। तो बच्चों ने फ्रेंच फ्राइज़ की फरमाइश की, तो जल्दी से गए हम फटाफट से और बच्चों को जो है ऑर्डर करने के लिए। और काफ़ी ज़्यादा रश था, देखिए थोड़ा मुश्किल हो रहा था क्योंकि ऐसा होता है ना मतलब वीकेंड हो या फिर आजकल तो हर जगह हर टाइम रश काफ़ी रहता ही रहता है। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले ऑर्डर लिया, हमें क्या खिलाना था बच्चों को क्योंकि मैं और ये तो कुछ भी नहीं खा रहे थे, तो सिर्फ बच्चों के लिए ही आए थे यहाँ पर। तो यहाँ पर हमने ऑर्डर कर दिया है अपना, जो भी लिया है तो देखिए मैं हम लोगों ने क्या लिया है। तो हमारा ऑर्डर आने वाला है अभी, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो बच्चों का थोड़ा इंतज़ार करने के बाद आ गई हैं बच्चों की फेवरेट चीज़ें, और मुझे जो है मैं भी बैठ गई थी यहाँ पर, और उसके बाद मैंने हमारा आयशा को बुलाया और हमारा जो ऑर्डर था वो भी आ गया था। तो यहाँ पर बच्चों का जो फ्रेंच फ्राइज़ और ये सब चीज़ें हैं वो सब चीज़ें आ गई हैं। देखिए मैं
चलो अपना अपना ठीक है। और लड़ाई बहन की मजा आया, थैंक यू बोलो अप्पा को। थैंक यू अप्पा। आयशा आप भी बोलिए थैंक यू अप्पा। थैंक यू बन्नी अच्छी मम्मा की पार्टी में आपके मजे आ रहे हैं। मम्मा का बर्थडे में आपकी पार्टी हो गई। सॉस चाहिए? सॉस सॉस निकालो। नहीं आपको चाहिए तो ठीक है। बर्गर खाना है कि फ्रेंच फ्राइज खानी है? हाँ ठीक है फ्रेंच फ्राइज खा लो। अरे भाई खाओगे फिर कोल्ड ड्रिंक खत्म हो जाएगी सारी राइट हैंड से। देखो चिक्स पर क्या लग रहा है। क्लीन कर लेना इसे टिश्यू को। क्लीन और नॉलेज है मुझे ये हमें ये सांस ना आ रही इसमें। बहुत कर लगा। क्लीन करो। मैं इसके अंदर ही कर रहा हूँ बेटे सांस। कर लो। अब आराम से खा लेना। लास्ट में बच्चों ने खाई आइसक्रीम और ये हम लोग आइसक्रीम खाने के बाद निकलने ही वाले थे, मतलब बच्चों को आइसक्रीम खिलाई और उसके बाद हम लोग आ गए थे थोड़ी देर बाहर। और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बच्चों ने फ़न किया और हम लोगों का आने का था अब टाइम, हम लोग आने वाले थे कि चलिए अब घर चलते हैं, जल्दी से फिनिश कर लीजिए आइसक्रीम उसके बाद हम लोग घर चलते हैं फिर। लेकिन बच्चों का तो बिल्कुल ऐसी जगह से बिल्कुल दिल नहीं करता आने के लिए, तो थोड़ा मुश्किल होता है इस तरह बच्चों का हैंडल करना। तो यहाँ पर जो है बच्चों की आइसक्रीम जो वो फिनिश होने वाली है और जल्दी जल्दी हम लोग निकलने वाले हैं। आयशा अभी खा रही है, उमैरा की फिनिश हो चुकी है और हम लोग आ गए हैं बाहर। तो यहाँ पर देखिए बच्चों ने कुछ झूले और इस तरह की चीज़ें तो बहुत ही ज़्यादा पसंद है, तो फिर बच्चों ने यहाँ पर भी इंजॉय किया। तो देखिए इस तरह से, और उमैरा तो बिल्कुल नहीं डरती, मुझे डर लग रहा था उमैरा को देखकर, लेकिन उमैरा नहीं डरती है। मैं काफ़ी मना कर रही थी लेकिन उमैरा की ज़िद की वजह से हमने करा ही दिया बंजी जंपिंग। और थोड़ा आयशा थोड़ा डरती हैं इस तरह की चीज़ों से, लेकिन उमैरा नहीं डरती हैं बिल्कुल भी। तो आज का दिन मेरा इस तरह से रहा। आप लोगों को मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं? अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ फैमिली एंड फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा और ऐसे ही प्यारी प्यारी वीडियो के लिए मुझे सपोर्ट कीजिए ताकि मैं जल्दी जल्दी वीडियो बनाऊँ और आप तक सेंड करूँ। और यहाँ पर जो आयशा काफ़ी ज़्यादा इंजॉय कर रही हैं,
तो आज हमारा पूरा दिन इस तरह से रहा और काफ़ी ज़्यादा हम लोग टायर्ड भी हो गए। बच्चों के साथ तो काफ़ी हो जाता है कि थक जाते हैं, क्योंकि बच्चे अपने अकॉर्डिंग चलाते हैं और तो ऐसा होता है कि थकान हो ही जाती है। तो आज का दिन तो बहुत ही अच्छा रहा, प्यारे प्यारे गिफ्ट्स मिले और काफ़ी सारे इन्जॉय किया। और बच्चे इन्जॉय करते हैं तो खुद ये लगता है कि हमने बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है बच्चों को देखकर, उनकी खुशी देखकर। चलिए मुझे दीजिए इजाज़त, अब मैं चलती हूँ। और ऐसे ही प्यारे प्यारे व्लॉग्स के लिए आप चैनल को सपोर्ट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए इंस्टा पेज को, और प्यारे प्यारे वीडियोस के लिए मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए और प्यारे प्यारे करिए कमेंट्स। तो अब तो हमारा जाने का टाइम हो रहा है घर, तो जल्दी से चले जाते हैं घर, क्योंकि घर से भी फ़ोन आ रहे हैं काफ़ी। तो थोड़ा तो इंशाल्लाह ताला फिर मिलती हूँ न्यू व्लॉग के साथ। इसी तरह ख्याल रखिए अपना, अपनी फैमिली का, और ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड कीजिए अपनी फैमिली के साथ। एंड चलिए फिर मैं मिलती हूँ इंशाल्लाह ताला। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।